स्लेजहैमर, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल टूल जो कि हमारे रेगुलर हाउसहोल्ड यूजेस से लेकर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हर जगह यूज होता है। तो हमारे पास हैं चार डिफरेंट ब्रांड्स के स्लेज हैमर्स जिनका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने ये स्लेज हैमर्स पिछले कुछ 15 दिनों तक अलग अलग टास्क पे यूज़ किए हैं। हम इनका रिव्यू करने वाले हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे, जो कि है इनका डिज़ाइन, इनका मटेरियल यूज्ड, इनकी फंक्शनिंग और ये कितने इफेक्टिव हैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए जिनके लिए ये बने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहले स्लेज हैमर है डी नीड्स का 12 इंच 3 LB यानी 3 पाउंड स्लेज हैमर्स। ये सारे ही स्लेज हैमर्स 3 LB यानी 3 पाउंड्स के हैं, 12 इंच से 16 इंच तक। इस स्लेज हैमर की अगर हेड की बात की जाए, जो कि कार्बन स्टील से बना है, इसका स्ट्राइकिंग हेड ये वाला एरिया होता है जो कि आपके टारगेट और सरफेस पे हिट करता है, जहाँ पे आप हिट करना चाहते हैं। उसका डायमीटर भी डिसेंट है। नीचे आते हैं, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को ओवर स्ट्राइक प्रोटेक्शन कहते हैं, ओवर स्ट्राइक प्रोटेक्शन। जब आप अपने टारगेट को हिट करते हैं, अगर आपका टारगेट मिस हिट होता है तो ये आपके हैंडल को बचाता है। डी नीड्स के इस स्लेज हैमर्स में ओवरसाइज प्रोटेक्टर बहुत ही छोटा है। अगर आपका टारगेट मिस हिट होता है तो चांसेस हैं कि आपके हैंडल पे हिट हो सके और आपको झटका भी लग सके। इसका हैंडल फाइबर ग्लास से बना है, जिसकी क्वालिटी मुझे एवरेज लगी, ठीक ठाक लगी। नीचे आते हैं इसकी ग्रिप पे। इसकी ग्रिप TPR यानी थर्मोप्लास्टिक रबर से बनी है। ग्रिप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसकी ग्रिप मुझे ठीक लगी और यूजेज में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बेटर हो सकती थी बट मुझे इससे कोई खास ऐसी शिकायत नहीं हुई। दूसरा स्लेज हैमर है हमारे पास MBTECH का 3 LB यानी 3 पाउंड का स्लेज हैमर, 16 इंच हाइट वाला। इसके हेड की बात की जाए तो ये कार्बन स्टील से बना है। इसका स्ट्राइकिंग हेड का डायमीटर और सरफेस इवन है और डायमीटर मुझे ठीक लगा। बात करते हैं इसके ओवरस्ट्राइक प्रोटेक्टर की, तो आप देखेंगे कि इसमें ओवरस्ट्राइक प्रोटेक्टर है ही नहीं। तो अगर आपका ये स्लेज हैमर मिस हिट होता है और आप अपने टारगेट से हिट करते हैं, तो ना सिर्फ इसका हैंडल डैमेज होगा बल्कि आपको अच्छा खासा झटका और वाइब्रेशन भी, शॉक भी लगने वाला है। इसका हैंडल फाइबर ग्लास से बना है और अगर आप देखेंगे इसका हैंडल बहुत ही पतला है यहाँ से। तो होता क्या है कि जब आप इसे स्विंग करते हैं, हिट करते हैं अपने टारगेट पर, तो हैंडल टू इसके हेड वेट रेशियो ठीक नहीं बैठता और आपका स्विंग एक्यूरेट नहीं होते। और मुझे इसको स्विंग करते वक्त, टारगेट पे हिट करते वक्त काफ़ी बार मैं मिस हिट हुआ और क्योंकि इसमें ओवरस्ट्राइक प्रोटेक्टर भी नहीं है तो मुझे शॉक भी फील हुआ। नीचे आते हैं इसकी ग्रिप पे, तो इसकी ग्रिप TPR की ही ग्रिप है और इसकी ग्रिप पे आप देखेंगे कि स्ट्रांगली टेक्स्चर्ड वर्टिकल लाइनेज हैं, कुछ उभरी हुई लाइनेज हैं, जिससे इसकी ग्रिप ठीक ठाक है, अच्छी बनती है। इस स्लेज हैमर में आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये TPR वाला पोर्शन इसके फाइबर ग्लास से यहाँ पे जॉइंट किया गया है, जिससे इसकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी मुझे इतनी खासी पसंद नहीं आई। और इसका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी डायरेक्शन भी हैंडल पतला होने की वजह से इतनी अच्छी नहीं है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्लेज हैमर पर, जो कि है पाइथन 16 इंच 3 LB यानी 3 पाउंड का स्लेज हैमर। इस स्लेज हैमर का कलर कॉम्बिनेशन आपको बाकी स्लेज हैमर के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर्सनली मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। इसके हेड की अगर बात की जाए तो वो कार्बन स्टील टफन क्वालिटी का है। इसके स्ट्राइकिंग हेड की बात की जाए तो इसका डायमीटर एकदम एक्यूरेट है, सरफेस एकदम इवन और फ्लैट है। तो जब आप अपने टारगेट पर हिट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर हिट करता है। इसके ओवर स्ट्राइक प्रोटेक्टर की अगर बात की जाए तो इसका ओवर स्ट्राइक प्रोटेक्टर बाकी हैमर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा नीचे तक है। तो अगर आप अपने टारगेट को मिस हिट करते हैं या फिर आपका स्लेज हैमर किसी और जगह स्ट्राइक करता है, तो ना ही सिर्फ इसका हैंडल डैमेज होगा बल्कि आपको बिल्कुल शॉक भी नहीं लगेगा और बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होगी। इसका हैंडल फाइबर ग्लास से बना है और इसकी ग्रिप TPR थर्मोप्लास्टिक रबर से बनी है। इस पाइथन स्लेज हैमर का डायरेक्शन, हैंडल टू हेड वेट रेशियो, स्विंग्स और बैलेंस मुझे बाकी हैमर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा लगा। जब आप इस हैमर को होल्ड करेंगे, इसकी ग्रिप आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील देगी और जब आप इसे स्विंग करेंगे, इसका बैलेंस आपके टारगेट पे
बहुत एक्यूरेटली हिट करेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट स्लेज हैमर पे, जो कि है विक्सन का 12 इंच 3 LB यानी 3 पाउंड का स्लेज हैमर। इसके हेड की अगर बात की जाए जो कि कार्बन स्टील का बना हुआ है, और इसके स्ट्राइकिंग हेड सरफेस की अगर आप बात करेंगे तो ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये अनइवन सरफेस है। तो होता क्या है, जब आप अपने टास्क पे हिट करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा आपके टास्क पे जो कि कील या फिर कोई भी आपका एम है उस पे हिट करता है और कुछ हिस्सा हिट नहीं करता, जिससे इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अब आते हैं इसके हैंडल पे। इसका हैंडल जो कि फाइबर ग्लास का है, मुझे इसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी। ओवर स्ट्राइक प्रोटेक्टर भी बहुत छोटा है और बहुत बेसिक सा है, तो मिस हिट होने पे और अगर आपका स्ट्राइक कहीं और लगती है तो इसका हैंडल भी डैमेज हो सकता है और आपको शॉक और वाइब्रेशन भी फील होती है। इसकी ग्रिप की अगर बात की जाए तो इसकी ग्रिप सबसे ज़्यादा स्लिपरी मुझे लगी, खासकर जब गर्मी में और अब आपके हाथ में नमी आती है तो ये बहुत ज़्यादा फिसलता है। इसका हैंडल और हेड का जो वेट रेशियो है उससे इसके स्विंग भी मुझे इतने एक्यूरेट और ख़ास नहीं लगे। तो अब बात करते हैं स्लेज हैमर्स के प्राइसेस की। ये सारे ही स्लेज हैमर्स आपको 500 से 1000 की रेंज में मिल जाएंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से पाइथन का स्लेज हैमर। इस प्राइस पॉइंट पे 3G डिज़ाइन हैंडल के साथ, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, इतने अच्छे बैलेंस के साथ आपको पाइथन का स्लेज हैमर बेस्ट वैल्यू देगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और टूल के साथ किसी और वीडियो में।